वेल, करणवीर बोहरा लॉकअप से हो चुके हैं लॉकआउट और उसके बाद अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में मुनव्वर के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। कहा है कि मुनव्वर किस तरीके से दोगला गेम खेल रहा है और बाकी के भी कैदियों के बारे में उन्हें बात की कि किसको उन्होंने बुलाया है चाची, किसको उन्होंने बुलाया है चमचा और कहा है कि चमचेस कभी भी शो जीत नहीं सकते। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। आपको बता दें सेकंड टाइम करणवीर जो है एलिमिनेट हो चुके हैं लॉकअप से और एलिमिनेट होने के बाद उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज दिए, हमारे भी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। लेकिन अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे वो मुनव्वर के बारे में और बाकी कैदियों के बारे में आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। लेट मी टेल यू कि सबसे पहले मुनव्वर के बारे में उन्होंने बात की और कहा कि मुनव्वर एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो हिपोक्रेट है और जो दोगला भी है। एवरीवन बिट्रेड मुनव्वर रिसेंटली, मतलब जैसे हमें पता है कि सायशा और अंजलि ने एंड पूनम ने उसे धोखा दिया। वेल, शिवम आजमा और पायल तो उनके साथ खेल ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने जो धोखा दिया उसे धोखा नहीं माना जा सकता, इट्स अ गेम, क्योंकि मुनव्वर ने भी उन्हें पास में कई बार धोखा दिया है। लेकिन सायशा अंजलि के धोखे के बाद मुनव्वर काफी ज्यादा अफेक्ट हुए, जिसके ऊपर करणवीर कहते हैं कि हाँ सभी लोगों ने मुनव्वर को धोखा दिया रिसेंटली, लेकिन जब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें अभी तक गेम में यूज किया गया है मुनव्वर से, इसलिए उन्होंने धोखा जो है मुनव्वर को दिया, क्योंकि पूरा टाइम मुनव्वर ने उनका गेम जो है अपने अकॉर्डिंगली ही खेलने बताया था और वो वैसे ही खेल रहे थे और उन लोगों को रियलाइज हो गया कि जो चमचे होते हैं वो कभी गेम जीत नहीं सकते, इसलिए अब लास्ट लेग में आके खुद के लिए खेलना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है सायशा और अंजलि के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास तब होगा जब वो गेम से बाहर आएंगे एंड वो कंटेस्टेंट्स जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं, मेकर्स चाहते हैं, जो क्रिएटर्स है वो चाहते हैं कि अब ये इंडिविजुअली खेले, इसीलिए आई थिंक ये दिखने में काफ़ी परफेक्ट दिख रहा है और हर एक जन अपने लिए खेल रहा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन अब मुनव्वर का गेम अफेक्ट होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से मुनव्वर ने अपने तरीके से अपने दोस्तों को गेम खिलवाया हुआ है उस हिसाब से उसका धोखा जो उसके फ्रेंड्स ने उसको दिया है वो डिजर्व करता है ये बात। और ये भी कहा कि मुनव्वर को उसके ही गॉट द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन एंड उसको कुछ भी और बोलने की जरूरत नहीं, उसने गेम दोगला खेला तो उसको अब उस चीज का जवाब भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट उन्होंने अपने लाइव सेशन में ये भी बताया जब एक फैन ने या फिर आप कह सकते हैं किसी ऑडियंस ने उन्हें पूछा कि क्या आपका जो डेथ था, जो अब डेथ में थे, क्या वो क्लियर हुआ, जिसके ऊपर वो कहते हैं हाँ मैंने ये शो में अच्छी खासी कमाई की है और इस शो ने मुझे वो सब दिया है जिसकी वजह से जो मेरी उधारी थी या फिर आप कह सकते हैं जो मेरे पे जो एक कर्जा था अब मैं उसे चुकता कर पा रहा हूँ, सो मैं इस शो के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। उसी के साथ वो कह रहा है कि अच्छा हुआ वो अब लॉकअप से बाहर आ गया है, बहुत सारा फिजिकल वायलेंस अब इस शो में होने लगा है स्पेशली वुमेन के टुवर्ड्स और वो ये चीज़ें नहीं देख पा रहे और इस शो में उनके अंदर का एक जानवर जगाने की कोशिश हो रही थी, उनके अंदर एक ऐसे प्लेयर को लाने की कोशिश हो रही थी जो गेम खेले, जो यू नो एक मॉन्स्टर बने, पर उन्होंने कहा कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ तो मैं ये नहीं कर पाया, मैं अपनी तरफ से बैडास होने की कोशिश की लेकिन एक लेवल है जिसे मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी मैं जहाँ तक आया, इस शो ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। उसी के साथ साथ करणवीर ने प्रिंस नरूला को बुलाया है चाची और कहते हैं कि वो कभी भी सही के लिए स्टैंड नहीं लेते, इतने बैक टू बैक रियलिटी शो जीते हैं लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं चला कि वायलेंस कितना होना चाहिए और कितना नहीं, लिमिट कहाँ क्रॉस हो रही है कितनी नहीं। उन्होंने आजमा नहीं बल्कि जिशान का साइड लिया एंड जब मैं रोकने की कोशिश कर रहा था प्रिंस को तो उन्होंने जिस तरीके से मुझ पर रिएक्ट किया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिशान ने सॉरी जरूर बोला लेकिन बाद में मिडिल फिंगर भी दिखाया और आप इस तरीके से जो विमेन के अगेंस्ट वायलेंस कर रहे हैं अगर आप उन्हें और बढ़ावा चढ़ावा दे रहे हैं तो आप एक चाची टाइप हो या फिर आप इन लोगों के फॉलोअर बन चुके हो, तो आप इंडिविजुअल खेलो तो आगे जाओगे, इस तरीके से करणवीर जो है प्रिंस के बारे में भी बात करते हुए नजर आया। वेल, कौन कौन से पॉइंट्स के साथ आप हो सहमत, कौन से पॉइंट्स के साथ असहमत, क्या है आपका रिएक्शन, क्या है आपका ओपिनियन, कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल सी यू गाइस अराउंड।